दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक खुलासा करने वाला हूं एसआईपी को लेकर और आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे आप पागल बनते हो हर महीने एसआईपी कर और लाखों का नुकसान भी करते हो। जी हां, हजारों का नहीं, लाखों का नुकसान करते हो इन लॉन्ग टर्म। तो अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उससे आपकी आंखें खुल जाएंगी, तो ध्यान से देखना। तो दोस्तों ये है एसआईपी कैलकुलेटर और आपने ये बहुत बार देखा होगा, ये ग्रो ऐप का एसआईपी कैलकुलेटर है। तो मान लीजिए अगर आप 15,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं किसी भी फंड में, चाहे इंडेक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, थीमेटिक, इक्विटी, डेट एक्सेट्रा, और उसमें आपको लॉन्ग टर्म में 15% का रिटर्न मिलता है और ये एसआईपी आपने की 15 साल तक, यानी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप जैसा कि नीचे देखेंगे कि आपने 27 लाख लगाया 15 साल में और लेकिन आपको मिला 1,52,000, यानी आप करोड़पति बन चुके हो। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं असली बात, ये जो आप देख रहे हैं 1,01,52,000, ये आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है अगले 15 साल में। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि आपको बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर, ये आपने आज तक कभी कहीं नहीं देखा होगा, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आप 15,000 रुपए महीने की एसआईपी कर रहे हैं और आप ड्यूरेशन रखते हैं 15 साल और आप रिटर्न सोच रहे हैं कि 15% तो मिल ही जाएगा, जो मिल जाता है आमतौर पे, और एक्सपेंस रेशियो हम ले रहे हैं 1%, क्योंकि ज्यादातर आप म्यूचुअल फंड का देखेंगे तो 0.7 से लेकर 1.5-2% तक एक्सपेंस रेशियो होता है। तो अब हम क्लिक करेंगे कैलकुलेट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपने 15 साल में 27 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया, जो मैंने आपको एसआईपी कैलकुलेटर में दिखाया था, लेकिन आपको 15 साल बाद 1,01,00,000 नहीं, आपको सिर्फ 91,92,000 मिलेगा, यानी आपको 0.5 लाख कम मिलेंगे। तो ये 0.5 लाख है किस चीज के, ये 0.5 लाख है आपका एक्सपेंस रेशियो। और आप सब सोचते हो यार सिर्फ 1% ही तो है, इसमें क्या जाता है। मैं जानता हूं ये देखकर आप में से कई लोगों की आंखें खुल गई होगी, लेकिन अभी वेट कीजिए, अभी बहुत कुछ आना है। अब ये एक्सपेंस रेशियो को देख के आपके मन में दो सवाल आएंगे कि क्या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने ही नहीं चाहिए, और दूसरा सवाल अगर म्यूचुअल फंड नहीं तो कहां लगाने चाहिए, इतना रिटर्न कहां मिलेगा। तो पहले सवाल का जवाब, म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना गलत नहीं है अगर आपके पास बिल्कुल टाइम और नॉलेज नहीं है। अगर आप दिन के 15 मिनट भी स्टॉक मार्केट में नहीं लगा सकते, ध्यान रखना सिर्फ 15 मिनट, तो आपको म्यूचुअल फंड में ही पैसे लगाने चाहिए। अगर लाखों का एक्सपेंस रेशियो जा रहा है तो जाने दो, क्योंकि उसके बाद भी आपको लाखों मिल ही रहे हैं। अगर आप 15% से सेटिस्फाइड है तो आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते रहिए, क्योंकि एंड में आपको 15% भी नहीं मिल रहा, आपको कुछ 12% ही मिलेगा 15% में से एक्सपेंस रेशियो काट के। अब आएगा दूसरा क्वेश्चन कि अगर म्यूचुअल फंड में ना लगाएं तो ऐसी कौन सी जगह लगाएं। तो दोस्तों इसका जवाब है ETF। आपको ETF की पावर नहीं पता है, आप नहीं जानते हैं कि ETF 2.5 से 3 गुना ज्यादा रिटर्न बना सकती है म्यूचुअल फंड से। तो दोस्तों अब मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूं जिसमें आप म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसे बना सकते हैं ETF में से। तो यहां तक वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों पहला तरीका है एक्सपेंस रेशियो। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे ICICI का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देख सकते हैं, ये एक बहुत मशहूर फंड है जिसने 60-70% तक रिटर्न दिए। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं ETF का कमाल। अब आप अपनी स्क्रीन पर ICICI का निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ETF देख सकते हैं, यानी जो पहले देखा था वो ICICI का म्यूचुअल फंड था, ये वही सेम ICICI का ETF है, बस यही फर्क है। लेकिन असली कमाल है इसका एक्सपेंस रेशियो जो है 0.50%, यानी म्यूचुअल फंड का था 1.15%, यानी इसका एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से आधे से भी कम है। यानी कंपनी सेम, फंड भी सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन एक्सपेंस रेशियो कम। लेकिन अब आप में से फिर भी कई लोग सोचेंगे कि यार आधे परसेंट के लिए क्या करना है ना, तो पहले ये आधे परसेंट की पावर देखते हैं। तो दोस्तों फिर हम आ गए हैं एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेटर पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आप 15,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में ICICI के, 15% का ही हम रिटर्न मान लेते हैं और हम 15 साल के लिए ही एसआईपी करते हैं, एक्सपेंस रेशियो हम लेते हैं 1.15% जो उसका एक्सपेंस रेशियो था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने 27 लाख रुपए लगाया 15 साल में और आपका एक्सपेंस रेशियो है 11 लाख जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और ये सारी की सारी म्यूचुअल फंड कंपनी की कमाई है। वहीं अब अगर आप ETF में पैसे लगाते तो अब उसका एक्सपेंस रेशियो देखते हैं। तो हम इस एक्सपेंस रेशियो को कट करके 0.50 कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4,94,000, यानी पहले 11 लाख का था और अब करीबन 6 लाख का डिफरेंस,
दोस्तों 6 लाख का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता, यानी ये 6 लाख आपकी सीधा कमाई थी जो आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को दे दी। लेकिन दोस्तों ईटीएफ स्ट्रेटेजी बताने से पहले आपके पास एक सही प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है जो आपकी ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सपोर्ट करे, एडवांस टूल्स प्रोवाइड करे, रियल टाइम डेटा दे और साथ में एक सीमलेस एक्सपीरियंस दे ताकि आप स्मूथली ईटीएफ स्टॉक से म्यूचुअल फंड को बाय कर सके। इसलिए दोस्तों आज मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहता हूं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करता है और उसका नाम है ब्लिंकएक्स। ब्लिंकएक्स जेएम फाइनेंशियल द्वारा लॉन्च किया गया एक प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म हर ट्रेडर की नीड्स को देख के बनाया गया है, चाहे आप बिगनर हैं या आप एक प्रो इन्वेस्टर हैं। ब्लिंकएक्स काफी अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है। यह आपको 2 प्लान्स प्रोवाइड करता है, एक है सिर्फ 199 का जो 2 मंथ्स के लिए है और एक है 799 का जो 6 मंथ्स के लिए है। दोनों प्लान्स में आपको अनलिमिटेड फीचर्स मिलते हैं, जैसे आपको आईपीओ करना है, ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना है, एफएनओ करना है, कुछ भी करना है। और यहाँ कोई हिडन चार्जेस नहीं होते, जैसे कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, स्क्वायर ऑफ चार्जेस और फंड ट्रांसफर सब 0 है। सिर्फ ये ही नहीं, ब्लिंकएक्स मार्जिन ट्रेडिंग के लिए भी सबसे कम चार्जेस प्रोवाइड करता है जो बिगनर्स के लिए काफी अच्छा है। ब्लिंकएक्स का यूनिक फीचर है उसकी यूजर फ्रेंडली फैसिलिटीज। फॉर एग्जांपल सुपर स्मार्ट वॉचलिस्ट, जिसे आप हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली रोटेट कर सकते हैं। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली रोटेट करते हैं तो आपको बिड आस्क और वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आप अपने डैशबोर्ड को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेज करना और आसान हो जाता है। ब्लिंकएक्स सिर्फ ट्रेडिंग टूल्स तक ही सीमित नहीं है, यहां आपको डेडिकेटेड रिसर्च एक्सेस भी मिलता है, चाहे आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो। यहां आप खुद की स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर के थ्रू और सिर्फ एक स्वाइप में आप बाय एंड सेल के ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं, जिससे आप अपनी किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे। ये ऐप आपको 70 प्री डिफाइंड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है आपके व्हाट्सएप पर जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होती है और साथ में स्टॉक मार्केट की न्यूज भी देता है जो आपको हमेशा मार्केट में अपडेटेड रखती है। और जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए ब्लिंकएक्स वीकली वेबिनार भी ऑर्गेनाइज करता है, जहां आप बड़े बड़े इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जो प्रो इन्वेस्टर्स है उनके भी इनसाइट्स ले सकते हैं। और सिर्फ ये ही नहीं, यहां आपको एक स्पेशल रिलेशनशिप मैनेजर भी प्रोवाइड किया जाता है जो आपकी हर ट्रेडिंग नीड्स में हेल्प करता है। यही वजह है कि ब्लिंकएक्स ट्रेडर्स कम्युनिटी में इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है और इसके हाई रेटिंग्स जो प्ले स्टोर पे है 4.7 और एप स्टोर पे है 4.6 और 6 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स भी हो चुके हैं। तो फिर देर किस बात की यार, आज ही अपना ब्लिंकएक्स पे अकाउंट खोलिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट। अब दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमारे लाखों तो बचे, लेकिन इससे भी हमें मजा नहीं आएगा। हमें 15% पे नहीं रहना है, हमें चाहिए 40%+ रिटर्न। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके साथ एक और स्ट्रेटजी करनी होगी जो है ईटीएफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। जब आप ये दोनों स्ट्रेटजी को मिला देंगे तब आपके बंपर रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोस्तों अब आप अपनी स्क्रीन पे निफ्टी 50 का चार्ट देख सकते हैं। ये चार्ट देख के घबराना मत, बहुत ही आसान चार्ट है और समझ आएगा। अब आप ये सीधी लाइन देख सकते हैं, ये है आपकी मंथली एसआईपी जो हर महीने कटेगी, कभी मार्केट अप होगी कभी डाउन होगी। जब मार्केट डाउन होगी आपके उतने ही पैसे में ज्यादा म्यूचुअल फंड के यूनिट आएंगे क्योंकि सस्ते मिलेंगे, जब मार्केट अप होगी तो महंगे हो जाएंगे तो कम मिलेंगे। और अब ये डॉट्स देखिए, ये डॉट्स हैं ईटीएफ जिसको हम कहते हैं बाय ऑन डिप्स, यानी आप ईटीएफ तभी करें जब मार्केट डाउन है, हम ऊपर पे करेंगे ही नहीं। तो इससे क्या होगा, आपका रिटर्न बहुत इंक्रीज होगा। लेकिन दोस्तों अब कई लोग कहेंगे कि यार म्यूचुअल फंड भी बाय ऑन डिप कर सकते हैं, जब मार्केट डाउन होगी तब उसको लमसम कर दो। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है और मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम ICICI का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका NAV है 207, यानी 207 रुपए का एक यूनिट है इस म्यूचुअल फंड का। तो मान लीजिए मैंने देखा कि आज ये 200 रुपए का मिल रहा है, यानी मार्केट गिरी हुई है, मैंने फट से इस म्यूचुअल फंड में लमसम डाल दिया 50,000, यानी मुझे एक म्यूचुअल फंड यूनिट 200 का मिलना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं आपको बता दूं म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जब मार्केट बंद होने के बाद यानी 3:30 के बाद जो एनएवी होता है वो आपको अलॉट होता है। यानी मान लीजिए मार्केट जब बंद हुई तो वो म्यूचुअल फंड 200 रुपए की जगह 215 का हो गया, तो मेरे को जो यूनिट अलॉट होगा वो 215 पे होगा। और कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि अगले दिन के रेट पे हुआ है, ये भी लोगों के साथ स्कैम बहुत जगह हो चुका है। यानी आपको बाय ऑन डिप करना बहुत ही मुश्किल है म्यूचुअल फंड में, लेकिन ईटीएफ में आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती। ईटीएफ में मान लीजिए 209 रुपए का, आपने टक क्लिक किया और 209 लॉक्ड, आपको 209 पे ही मिलेगा। इसलिए ईटीएफ ज्यादा बेटर होता है म्यूचुअल फंड से। तो दोस्तों अब मैं आपको दो स्ट्रेटजी बताता हूं जिससे आप ETF में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। सबसे पहले होती है ओनली ETF इन्वेस्टिंग, यानी आप म्यूचुअल फंड को बिल्कुल साइड पर रख देते हैं और आप कहते हैं कि मैं ETF से ही इन्वेस्ट करूंगा। दोस्तों ये स्ट्रेटजी उनके लिए होती है जिनको स्टॉक मार्केट की नॉलेज हो चुकी है, काफी साल हो गए हैं, 4-5 साल हो गए हैं SIP भी करते हुए।
तो उनको पता लग गया है कि मार्केट कैसे वर्क करती है। वो जब भी मार्केट डाउन होती है वो अपना ETF में लमसम डाल देते हैं। वो रोज मार्केट 15 मिनट के लिए चेक करते हैं, एक टाइम रख लेते हैं, जैसे 3 बजे का टाइम रख लिया उन्होंने, रोज 3 बजे 15 मिनट बैठे, देखे अपने ETF में कौन कौन सा ETF डाउन है जो उन्होंने सेलेक्ट कर रखे हैं, उसमें से जो भी डाउन हुआ उसमें लमसम डाल दिया। तो ये उनके लिए है जिनको स्टॉक मार्केट की थोड़ी सी नॉलेज हो गई है और वो ETF के बारे में सीख चुके हैं। दूसरी स्ट्रेटेजी होती है म्यूचुअल फंड प्लस ETF। दोस्तों ये स्ट्रेटेजी उनके लिए है कि जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन वो कुछ कुछ ETF के बारे में जानते हैं लेकिन वो ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में क्या होता है कि मान लीजिए आप 10,000 रुपए महीने की SIP कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो पहले आप क्या कीजिए उसको 5,000 कर दीजिए, यानी आपने 50% कर दी। अब जो बाकी 5,000 बचा उससे आपने इन्वेस्ट करना है ETF में लमसम, जो कि आपको करना है बाय ऑन डिप। तो आपको क्या करना है कि आपको वॉच लिस्ट बनानी है। जैसे आपने 5 ETF डाल लिए जो आपको पसंद है, एक बैंक बीज हो गया, एक निफ्टी बीज हो गया जिसने बैंक में पैसे लगाने हैं वो बैंक बीज में डालेगा, एक IT ETF होता है जिसने IT कंपनी से पैसे डालने हैं। तो आपको अगर 20-21 दिन में से 15 दिन भी आप ढंग से अगर उसमें लमसम कर देते हैं तो आपका रिटर्न कहीं गुना बढ़ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एक कंप्लीट ETF इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी चाहते हैं लाइफ और चाहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल ढंग से समझाऊं, तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा। और अगर आप एक स्मूथ और इफेक्टिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चाहते हैं तो आप Blinkx को चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल विच इज मनी राइट।